हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन पेपर कोड 09 के आंसर की, जिसके 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए। चलिए 51 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन कहता है, द एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा सैम्पलिंग टेक्निक। देखिए आपको मालूम है स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? जो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी का मेन डिफरेंस है वो है रैंडमनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, आपको दोनों लिस्ट मैच करनी है, कोश दिए हुए हैं। आपने जब सांख्य फिलोसफी पढ़ी होगी अपने एजुकेशन सब्जेक्ट में, वहाँ पर इनको पढ़ा होगा, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो जो करेक्ट आंसर है एनटीए के आंसर की के हिसाब से वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपीयर अर्ली। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आंसर नंबर 4। इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में क्या ऑप्शन होता है वो आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द शेप ऑफ कर्व शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटाइल रैंक इज रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। पैवलोवियन कंडीशनिंग पैराग्राम, यहाँ पर उन्होंने पूछा है अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर पहले दे दिया जाए कंडीशनल स्टिमुलस से या न्यूट्रल स्टिमुलस से तो प्रोसीजर क्या कहलाएगा। इस टाइप की कंडीशनिंग को बोलते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लेकर के क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है 0.65। नेक्स्ट है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड द फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स लिखे हुए, इन पांच में से कौन से करेक्ट। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, मतलब फोर्थ ऑप्शन। इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में क्या सीक्वेंस है वो आप देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए उसके बाद देखते जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज मोर रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। टोटल 7 स्टेटमेंट लिखी हुई है, उन 7 स्टेटमेंट में से देखिए, इसीलिए बोलता हूँ कि बार बार जितनी भी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसको डीपली पढ़ो, ताकि इस तरीके के और पैटर्न अब यही है, अब इसी तरीके के क्वेश्चन से आपने जुलाई 2018 का पेपर देखा, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है और सिक्स ऑप्शन करेक्ट है, सिक्स स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पर आइए, इंटेंडेड और एक्चुअली अचीव्ड आउटकम्स के बीच में टीचिंग में क्या डिफरेंस रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए, जो सोचा जो उद्देश्य बनाए आपने वो सारे पूरे हो गए तो बहुत इफेक्टिव टीचिंग दी। क्वेश्चन नंबर 60। इन टॉलमैन रिवाइज सिस्टम ऑफ लर्निंग विच वन रिप्रेजेंट बोरिंग फ्रॉम फ्राइड। देखिए फ्राइड बात करता है माइंड की और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की, और उसका जो बेसिस है दो टाइप की इंस्टिंक्ट्स के ऊपर है, जिसको उसने बोला लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स, उसी को टॉलमैन ने बोल दिया कैथेक्सिस, इंस्टिंक्ट्स की बात जो करी है फ्रॉइड ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 61। विच ऑफ द कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थ्योरीज इंडोर्स दिस आइडिया, जो इसमें गिवन है, पेरिनलिज्म इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रैक्टिकम इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज आर इंक्लूडेड टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल, जिसे स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम या टीचिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, किस लिए दिया जाता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर करे बच्चा। नेक्स्ट, कॉजेज हैं और साथ में स्टेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, आपको ये मैच करनी थी। करेक्ट आंसर इज दिस वन, सेकंड ऑप्शन एज पर दिस क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन पेपर में क्या सीक्वेंस है ऑप्शंस का, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट यू हैव अ चाइल्ड इज बॉर्न लाइक ए ब्लैंक स्लेट। देखिए ब्लैंक स्लेट का नाम आते ही हमारे सामने आ जाता है एक नाम, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं टेबुला रासा। द कॉन्सेप्ट इज ओन्ड एंड गिवन बाय जॉन लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स is used to describe the units of differences from central tendency,
such as mean, it may be median also, it may be any other central tendency. Now best जो describe करती है इसको वो है हमारे पास root mean square deviation या जिसको हम बोलते हैं standard deviation. From the following list identify those which will describe the characteristics of a slow learner. देखिए slow learner की बहुत सारे characteristics हैं, इसमें कुछ characteristics यहाँ पर लिखे हुए इन्होंने, कौन सी characteristic आपको लगती है. तो characteristic first, third and fifth, they face difficulty in making new information. तो इस question paper के हिसाब से जो सबसे last option है that is correct. Next है question number 67. Identify those statements which indicate the characteristics of behavior associated with internal locus of control. अब देखिए locus of control ऐसा variable है, recent research हो रही है इसके ऊपर, काफ़ी time से research हो रही है इसके ऊपर. Now you are provided with six statement. Six statement में कौन कौन सा है आपके पास. As per this question and the sequence of these options, option number third is correct as per anti answer key. Next you have question number 68. A realistic epistemology will plead the case of which type of knowledge, a posteriori knowledge. जब philosophy करेंगे उसमें discuss करेंगे इस चीज़ को. Next question है हमारे पास 69. Which of the following combination of statements indicate characteristics of a disabled child. देखिए सबको पढ़ना है उसके बाद में करेक्ट choices पर आना है आपको. देखिए फिफ्थ जो choice है वो सबके साथ में जा रही है, सेकेंड choice जा रही है और थर्ड choice जा रही है. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एज पर गिवन बाय एनटीए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिस्ट है, कैटेगरीज दी हुई हैं, देन उसकी रेंज दी हुई है. हियरिंग इम्पेयर्ड के ऊपर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. थर्ड ऑप्शन एज पर दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट यू हैव अनदर क्वेश्चन. ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन इज द आंसर. सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन. इसके बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट है, देन फोर्थ स्टेटमेंट है एंड देन उसके बाद में फिफ्थ स्टेटमेंट. एबिलिटी टू सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड और शुड बी इंक्लूडेड इन द आंसर. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज द आंसर गिवन बाई एन टी आई. Which education level in India corresponds to formal operational stage? अब देखो एक बात बताओ, formal operational stage मतलब चौथी stage, sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal. तो basically वही adolescent वाली age. ठीक, secondary and senior secondary level should be the answer. और पहले कहीं आ चुका है ये एक बार ये question, as it is repeat हुआ है या तो किसी teacher recruitment exam में या NET का ही पुराना question, previous year question है. नेक्स्ट पर आइए क्वेश्चन नंबर 74. एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी. डिजिटल मेथड पूछा है. ऑपरेशन रिसर्च नहीं हो सकता, क्लिनिकल भी नहीं और इवेल्युएटिव भी नहीं. देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है, जिसमें आपके पास अभी प्रेजेंट में कुछ इफेक्ट हैं, इफेक्ट है, उस इफेक्ट को ट्रेस करते हुए आप कॉजेस तक जाते हैं. So this is known as digital method. So ex post facto follows the same paradigm. This is the answer. On the basis of research evidences, which type of educational supervision will prove most effective in schools and colleges? देखिए जी democratic और participatory होना चाहिए. Next you have 76. The child, the school and education itself are shaped largely social and cultural forces. Philosopher, which one is the basis principles of the following philosophical thought? Reconstruction. Yes, progressive education or reconstruction सबसे ज़्यादा जा रहा है इसके साथ में. Next है question number 77. For the systematic improvement of teacher education, which of the following sets of steps should be
ठीक है, ये स्टेप्स दिए गए हैं आपके पास में चार, कौन कौन से लेने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है आपके पास कि इफेक्टिव और सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। चलिए पढ़ते हैं इनको, और हमारे साथ थर्ड जाता है इसका, एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड लाइक इन सर्विस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर कोर्सेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, लिस्ट वन कंटेन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडिटी मेजर्स। अलग अलग टाइप की वैलिडिटी होती है, जब रिसर्च करेंगे वैलिडिटी को पढ़ेंगे डिटेल में विद एग्जांपल करेंगे इसको किस किस तरीके से इस्टेब्लिश की जाती है। चलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, करेक्ट आंसर यूजीसी के हिसाब से जो है ये ऑप्शन है, आप अपने पीडीएफ में देख लीजिए, अपने रिस्पॉन्सेज में देख लीजिए कौन सा सिक्वेंस आता है उसका और मैच कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इन कॉम्प्लीमेंटेशन विद मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स इंडिया गिव्स ए लीवे टू। देखिए मूक बेसिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स और इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्रयास है कि लोग ओपन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग की तरफ जुड़ें और अपने डिफरेंट, देखिए छोटे छोटे बहुत सारे तरीके के सर्टिफिकेशंस हैं, पीजी कोर्सेज हैं, पीजी सर्टिफिकेट्स हैं जो कर रहे हैं, तो अपना करियर एडवांसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 80, इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, एजुकेशन हेल्प्स इन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड नॉस्टिक बींग। नॉस्टिक बींग फिलोसॉफिकल अरबिंदो जी। 81, हु यूज द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए मैनेजमेंट साइंटिफिक अगर होता टाइलर की टाइलर पे जाता, दूसरा अप्रोच होता तो मेयो पे जाता, बट द करेक्ट आंसर गिवन बाय एनटीए इज पीटर ड्रकर। 82, द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टेटिस्टिक कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर सैम्पलिंग एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थ्रोनडाइक इज नियरर टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, दोनों में कॉमन कौन सा या दोनों में सिमिलर कौन सा है, तो जी लॉ ऑफ इफेक्ट। और एक बात और बता दूं, लास्ट टाइम जुलाई में क्वेश्चन आया था कि जब रिवाइज किया थॉर्नडाइक ने अपने प्रिंसिपल्स को, तो किस प्रिंसिपल को रिवाइज्ड अपनी थ्योरी में डाला। देखिए जब भी हम थॉर्नडाइक को पढ़ें तो 1931 एक ऐसा टाइम है, उससे पहले की थॉर्नडाइक की थ्योरी और उसके बाद की थॉर्नडाइक की थ्योरी, थोड़ा सा केयरफुली पढ़ने की जरूरत है, इन दोनों को समझने की जरूरत है। सो करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट पर आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। देखिए थ्री डायमेंशनल मॉडल गिलफर्ड का पढ़ा, उसी को SOI मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बोलते हैं। तीन चीज़ें होती हैं, कंटेंट होता है, ऑपरेशन होता है और प्रोडक्ट होता है, तो प्रोसेस तो है नहीं कुछ भी। 85, एक मेथड दिया रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करने का, उसके कई मेथड हैं, स्प्लिट हाफ भी है, इंटर रेटर भी है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड भी है, KR20 फॉर्मूला और KR21 है। ठीक, अब इन्होंने पूछा है कि स्प्लिट हाफ कोरिलेशंस को रिपीटेड तरीके से उनका एवरेज लेना किस उसमें किया जाता है, तो जो डेरिवेशन है स्टैटिस्टिक्स में क्रॉनबैक अल्फा की, वो बेसिकली उसी के ऊपर काम करती है स्प्लिट हाफ कोरिलेशंस पर। नेक्स्ट पर चलते हैं, 86, इन द लैंग्वेज क्लासरूम इफ टीचर इज मेयरली पॉइंटिंग आउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिकॉज रटवा वो रहे नहीं है तो मेमोरी नहीं होगा और बहुत हायर विचार विमर्श नहीं हो रहा उसमें, तो रिफ्लेक्टिव लेवल भी नहीं है, आंसर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट पर आइए, फॉर मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हैव बीन सपोर्टेड बाई रिसर्च एविडेंस, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस या फ्लैंडर्स रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम। नेक्स्ट पर आइए, एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप वन एरर इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन ही और शी। देखिए दो, ये बहुत ही विशेष हर बार क्वेश्चन बनता है, टाइप वन एरर टाइप टू एरर, या अगर स्टेटिस्टिक्स का थोड़ा ज्ञान है आपको तो पी वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन बनता है।
आप सिंपल से सिंपल तरीके से और करेक्ट आंसर तक पहुंचना है तो दो शब्द ध्यान रखिए, दोनों का अलग अलग सेट है। टाइप वन रेरर के लिए दो शब्द ध्यान है, ट्रू एंड रिजेक्ट। अगर आपकी ट्रू हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाए तो टाइप वन एरर हो रही है। बाकी डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोर रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, दिस इज द करेक्ट आंसर एज पर एनटीए। नेक्स्ट पर आइए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात हो रही है। नैरेटिव एक नरेशन को डिस्क्राइब करता है, विच टाइप सिग्निफिकेंट एपिसोड्स इन स्कूल लाइफ। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट आर करेक्ट। रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड, नो इट इज कोरिलेशन विद द टेस्ट एंड इटसेल्फ, करेक्ट। इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, यस सैंपल, अगर सैम्पलिंग टेक्निक ही डिफरेंट है तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जाहिर सी बात है कोरिलेशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, तो होगा चेंज करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मीन्स स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड। इन ए क्लास टेस्ट मीन ऑफ साइकोलॉजी मीन्स M1 45 है और सिग्मा है 5, वाइल फॉर मैथ्स मीन इज 80 एंड SD इज 5। नाउ विपिन कुमार के 50 मार्क्स आए साइकोलॉजी में और 70 आए मैथ्स में, तो एक काम करते हैं जेड स्कोर निकाल के देखते हैं इसका, जेड स्कोर निकाल के देखते हैं इसका। साइकोलॉजी में जेड स्कोर क्या होता है, रॉ स्कोर माइनस मीन, मीन्स 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5, सो यू गॉट 1 सिग्मा, दैट इज पॉजिटिव। नाउ 70 मार्क्स आए इनके यहाँ पर, माइनस किया 80 डिवाइडेड बाय इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है मैथ्स की, 80 एंड 5 40, अच्छा दोनों 5 5 हैं, 5 से डिवाइड करिए सो इट इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 2 सिग्मा और माइनस 2। नाउ प्लस 1 बढ़ा है या माइनस 2 बढ़ा है, जेड स्कोर में देखिए जब भी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स की, आपने NRT पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, जब भी डिफरेंट ग्रुप्स की हम कंपैरिजन करें या एक बच्चे की एक सब्जेक्ट की और दूसरे सब्जेक्ट की कंपैरिजन करें, अलग अलग ग्रुप्स बन गए तो वहाँ पर हम कुछ नॉर्म्स का यूज करते हैं। वन ऑफ द नॉर्म इज जेड स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्कोर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्कोर 1 सिग्मा आया विच इज ग्रेटर देन माइनस 2 सिग्मा, सो द चाइल्ड हैज डन बेटर इन साइकोलॉजी, अच्छी बात है। नेक्स्ट पर चलिए, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर आर दिस एंड दिस, इफ ईच रॉ स्कोर इज डिक्रीज्ड बाय। देखिए पहले क्वेश्चन आया हुआ कई बार, इफ ईच रॉ स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय और इफ ईच रॉ स्कोर इज मल्टीप्लाइड बाय। देखिए मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं, यहाँ पर अगर ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तो क्या होगा, मीन में चेंज आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मीन चेंज होकर के कितना हो गया, मीन चेंज हो गया 43 माइनस 5 38 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही है। देखिए मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, अभी मैं सिर्फ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ जो आंसर्स हैं और क्वेश्चंस के जिस तरीके से ऑप्शंस हैं आपके अपने PDF में, हर एक में अलग अलग होंगे, आप इनको मैच करते चलिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड लर्न, टीचर ट्रेनिंग शुड बी एक्सपोज टू अ कोर्स इन ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को ये जानने में मदद करती है कि बच्चे का बिहेवियर किस तरीके से है, उस बिहेवियर को गाइड, उस बिहेवियर को मॉडिफाई, उस बिहेवियर को कंट्रोल और उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड कैसे करे टीचर। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। टोटल इतने सारे
स्टेटमेंट्स हैं आपके पास. नाउ दिस इज करेक्ट. फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट. फिफ्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है हमारा, इजी क्वेश्चन है. 42.98, 97. स्कूल हेडमास्टर कंडक्ट अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर दिस. नाउ चल रहा है प्रोसेस फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. नेक्स्ट है, इन फ्रॉइडियन फॉर्मुलेशन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें मेमोरीज एंड थॉट्स आर रेडिली एसेसिबल तुरंत लाइक दिस, तो प्री कॉन्शियस लेवल. नेक्स्ट है, व्हाइल अटेम्प्टिंग हर्ज़बर्ग मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, दिस इज द आंसर. अ टीचर, हाँ जी, बुक्स का लाइब्रेरी से लेकर के क्वेश्चन है, चारों स्केल्स दिए हुए हैं आपके सामने. एनटीए ने जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन दिया है रेशियो स्केल. चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चंस थे हमारे पास पूरे 51 से लेकर के 100 तक. ठीक, आप इजीली चेक कर पाए, आपने कर भी लिए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है, देखिए आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक रेडीली फॉर्म में अवेलेबल है. आप वीडियो को देखते जाइए, आंसर्स देते जाइए, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको इजी हो जाएगा अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन. तो चलिए दोस्तों, ये था एजुकेशन का सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक. तो अभी तक हमने जर्नल पेपर जो 19th को हुआ वो कर लिया, एजुकेशन का 19th को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था वो कर लिया. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके काम का होगा, किसी और के काम का हो तो शेयर ज़रूर करें. मिलता हूँ अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.